दिस इज मी सातिया हियर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हु एवर नीड्स इट। जिनको भी इन मैसेजेस की ज़रूरत है, आई होप आप इसको आप इस रीडिंग से अंडरस्टैंड कर सको, गाइडेंस ले सको और जान सको कि व्हाट्स हैपनिंग इन योर कनेक्शन। ये रीडिंग होगी बाय द वे उन लोगों के लिए जिनका एक स्पेसिफिक इंसान के साथ कनेक्शन है, बट राइट नाउ आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही और आप जानना चाहते हो कि क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, और साथ में हम जानेंगे कि क्या वो कांटेक्ट करेंगे आपको या नहीं। जो भी आपका स्पेसिफिक समवन है जिसके साथ आप राइट नाउ इन नो कम्युनिकेशन हो और आपको नहीं पता उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं आपको लेकर, हम वो जानेंगे। प्लस हम साथ में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आप दोनों का कॉन्टैक्ट कब होगा उस इंसान के साथ। सो रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपाल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो। रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो, उसमें सारी सर्विसेज अलॉन्ग विद द प्राइसेस मेंशनड हैं। अगर आप रेडी टू पे हो सिर्फ तभी रीच आउट करो, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और मेरा भी। सो या ये एक ही रीडिंग होगी सबके लिए। सो जो मैसेजेस आपके साथ आपकी सिचुएशन में मैच करें, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब कुछ छोड़ दो। सो या स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि व्हाट इज़ आपके पर्सन की करंट एनर्जी, क्या सोचते हैं वो आपके, वो लेकर क्या चल रहा है उनके माइंड में आपको लेकर। सो देखते हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। कॉन्टैक्ट नहीं है आप लोगों का राइट नाउ। लेट्स सी वो क्या सोचते हैं आपको लेकर या आपके बारे में क्या फीलिंग्स हैं उनकी राइट नाउ। एक बिल्कुल यू नो स्टॉप के जैसे है आपके कनेक्शन की एनर्जी राइट नाउ। कोई बातचीत नहीं है, कोई मूवमेंट फॉरवर्ड नहीं है, कोई मूवमेंट बैकवर्ड नहीं है, एक स्टैंड स्टिल पे है राइट नाउ आपका कनेक्शन विद योर पर्सन। और उसको आपके बारे में ना तो वो ज़्यादा सोच रहे हैं, ना ही वो कुछ करना चाह रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर राइट नाउ। उनको इट्स मोर लाइक कि आप दोनों एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे यू बोथ आर हैंगिंग इन देयर, आप मूव ऑन नहीं कर रहे हो, आप इस कनेक्शन में रह भी नहीं रहे हो, आप इस कनेक्शन को पास में छोड़ना भी नहीं चाह रहे हो। सो इट्स मोर ऑफ दैट कनेक्शन जहाँ पे आपके पर्सन को नहीं पता कि उसको क्या चाहिए आपके साथ, यू नो, ना तो वो एंड कर रहा है, ना वो मूव ऑन कर रहा है, ना वो पास में जाना चाहता है, ना वो फ्यूचर में जाना चाहता है। शायद काफ़ी हद तक मुझे नहीं लगता कि वो आपके बारे में कुछ खास सोच रहे हैं। उनको इस कनेक्शन को फिलहाल साइड पर करना है, दैट्स वट दे आर डूइंग, दैट्स वट दे आर फीलिंग फॉर यू। उनको इस सिचुएशन से राइट नाउ डील नहीं करना, इसीलिए शायद वो इन नो कम्युनिकेशन है या आप दोनों का कोई एज सच कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही, क्योंकि उनकी एनर्जी राइट नाउ है कि आपके कनेक्शन जो उनके साथ है उसको उन्होंने होल्ड पे रखा हुआ है। दैट्स प्रीटी मच इट। लेट्स सी मोकास, देखते हैं क्या चल रहा है उनके दिल में आपके लिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, चीज़ें बढ़ना शुरू हो जाएंगी कुछ टाइम बाद, थोड़े टाइम बाद इनको यू नो इनका इनके साथ आपकी कम्युनिकेशन ज़रूर होगी। चीज़ें थोड़ी बहुत करके आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है कि आगे बढ़ेंगी। राइट नाउ अगर नो कम्युनिकेशन है काफ़ी टाइम से स्पेशली दैट यू नो देन मुझे लगता है कि आप दोनों की बातचीत जो है वो ज़रूर शुरू होना शुरू हो जाएगी और चीज़ें जो है वो आगे की तरफ बढ़ेंगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इट्स गोना गो लाइक यू नो एक सडन मूव की जैसे आगे चीज़ें यू नो स्टेबिलिटी की तरफ चले जाएंगी या आप दोनों के कनेक्शन को जो है एक नया मोड़ मिल जाएगा और आप दोनों यू नो बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ आ जाओगे। मुझे लगता है कि जैसे अभी स्टैग्नेशन है इस कनेक्शन में, थोड़ी चीज़ें आगे बढ़ेंगी लेकिन उस हद तक शायद नहीं बढ़े जिस तरह से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन आना शुरू हो जाएगी, थोड़ी बहुत बातचीत वापस आ जाएगी, उस लिमिट तक जो है वो चीज़ें बेहतर होती दिख रही हैं मुझे। और कम्युनिकेशन जो है वो आगे बढ़ेगी और कनेक्शन जो है वो डेफिनेटली आगे बढ़ेगा। लेकिन डीप डाउन जो इस इंसान की एनर्जीज हैं टूवर्ड्स यू, वो है प्यार, फीलिंग्स, इमोशन, जो कि ओवरवेलमिंग होगा तभी आपको रीच आउट करेंगे। ऊपर ऊपर से ये इंसान आपको शो भी नहीं करेंगे कि ये वापस क्यों आए हैं या इन्होंने आपसे बात क्यों की है। कम्युनिकेशन डेफिनेटली आप दोनों की होगी बहुत जल्द, और स्पेशली अगर आप काफ़ी टाइम से नो कम्युनिकेशन हो, मुझे लगता है कि आप लोगों की कम्युनिकेशन बहुत जल्द होगी। लेकिन डोंट एक्सपेक्ट कि कम्युनिकेशन के साथ कुछ मेजर होने वाला है या आपको प्रपोजल आने वाला है, उस तरह की चीज़ नहीं होगी। कनेक्शन में जो भी जिस इंसान के साथ भी आप कनेक्शन में हो और जिसके बारे में भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, जिसके साथ नो कॉन्टैक्ट में हो राइट नाउ, उनकी यू नो एक उन्होंने इस कनेक्शन को लेके फिलहाल पॉज लगाया हुआ, स्टॉप लगाया हुआ है, इस कनेक्शन को परसों नहीं करना चाह रहे फॉर वट एवर रीज़न। देखते हैं वाई इज़ दैट, एक्चुअली देखना चाहिए कि वट इज़ देयर, क्यों उन्होंने इस कनेक्शन को इतना यू नो लीस्ट इम्पॉर्टेंस दी रखी है राइट नाउ।
जो आप दोनों के दरमियान में जो एक पॉज है, जो एक ब्रेक है आप दोनों के कनेक्शन का, ये मस्त था, है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है. इस जो पॉज है, जो आप लोगों के कनेक्शन के बीच की जो दूरी है राइट नाउ, ये आप सोच भी नहीं सकते कि कनेक्शन को किस मोड पे आगे लेके जाने वाली है. आप शायद अंडरस्टैंड नहीं करें, आपको शायद लग रहा होगा कि पता नहीं, शायद उसने इंटरेस्ट लूज़ कर दिया है, या शायद उसकी लाइफ में कोई और आ गया है, शायद ये शायद वो. लेकिन कहीं ना कहीं ये जो पॉज, ये जो ब्रेक है आप दोनों के कनेक्शन में, आप दोनों के दरम्यान में, ये आप दोनों के कनेक्शन को, आप दोनों के एक एक एहसास जो है आप दोनों का एक दूसरे को लेकर, उसको डेफिनेटली इसने चेंज किया है. शायद आप कहीं ना कहीं फील करते हो कि मेरा दिल करता है मैं मूव ऑन कर जाऊँ, लेकिन वो आपका दिल की आवाज़ नहीं है, वो आपका दिमाग कहता है कि इतना टाइम तो वेट कर लिया, चीज़ें आगे बढ़ने रही, तो मे बी आई नीड टू मूव ऑन. सेम गोज़ फॉर दैट पर्सन. कहीं ना कहीं उसके दिल में भी शायद, क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं है तो उसके दिल में भी शायद ये चीज़ें आती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक दिल की आवाज़ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रांग हो रही है. वो भी अंडरस्टैंड कर रहा है, आप भी अंडरस्टैंड कर रहे हो, जिसके भी साथ आप डील कर रहे हो, लड़का है या लड़की, लेकिन दोनों के एंड से कनेक्शन की जो एक एक एसेंस है वो डेफिनेटली जो है वो उभर रही है. एक एक जो डेप्थ है कनेक्शन की, वो दोनों के लिए उसकी वैल्यू वर्थ जो है वो आप दोनों एक्सप्लोर कर पा रहे हो उसको, नो कम्युनिकेशन में रहते हुए. मुझे लगता है कि शायद आप साथ होते, शायद आप फाइट कर रहे होते, शायद आप एक दूसरे को फॉर ग्रांटेड दे रहे होते, लेकिन ये जो गैप है, इस गैप ने आपके कनेक्शन को जो स्ट्रेंथ दी है वो आप शायद सोच नहीं सकते, आप शायद देख नहीं सकते हो, लेकिन दैट्स व्हाट इट इज़ डूइंग उस इंसान के लिए भी और आपके लिए भी. कहीं ना कहीं आप जाना चाहते हो, मूव ऑन करना चाहते हो, रुकना चाहते हो, किसी और से बात करना चाहते हो, लेकिन कुछ ऐसा होता है जो कि आप दोनों के कनेक्शन को और एक ग्रिप के साथ जो है ना वो होल्ड करता है और स्ट्रांग करता है. सो उस तरह की एनर्जीज हैं आपके पर्सन राइट ना. अगर मैं उनकी बात करूँ तो मुझे नहीं लगता कि उनके दिमाग में आप कि उस तरह से हैवीली वो सोच रहे हैं आपके बारे में. फीलिंग्स उनकी जो है वो स्टेग्नेशन पे हैं, लेकिन इसमें जल्द 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 से जल्द मुझे लगता है कि चेंज आने वाला है और चीज़ें आप दोनों के कनेक्शन को लेकर आगे बढ़ने वाली हैं. कम्युनिकेशन होगी बहुत जल्द और कम्युनिकेशन मुझे नहीं लगता कि इट्स इट्स गोना बी एक सेकेंड. अच्छा, जब आपकी कम्युनिकेशन होगी डोंट एक्सपेक्ट हैवीली, जैसे मैंने पहले कहा. दूसरा ये कि जितनी कम्युनिकेशन हो रही है उतना ही रखो, उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करो कि आहिस्ता आहिस्ता 10 मैसेज की जगह 20 मैसेज हो जाएंगे, या आप ज़्यादा उनको कांटेक्ट करना शुरू करो. जितना कम्युनिकेशन आ रही है उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करो. हैवीली एक्सपेक्टेशन जो है वो नहीं होनी चाहिए राइट नाउ. नॉट बिकॉज कि उसके दिल में प्यार नहीं है या वो शायद उस लेवल पे नहीं है, नॉट बिकॉज ऑफ दैट. इट्स जस्ट दैट कि जब आप रिकनसाइल कर रहे हो, जब आपकी काफ़ी टाइम बाद बात हो रही है, तो जितना आप एक दूसरे को स्लोली लेकर चलोगे उतना आप दोनों के लिए बेहतर होगा. जितना आप एक फास्ट पेस्ड इस कनेक्शन को लेकर जाना चाहोगे उतना चीज़ें ख़राब होंगी, उतना चीज़ें आप लोग पास्ट को बीच में लेके आओगे, नई एक एनर्जी जो है वो उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे. पास्ट की एनर्जीज में फिर फियर्स आ जाएंगे, डाउट्स आ जाएंगे, मैसेज क्यों नहीं कर रहा, ये क्यों नहीं हो रहा, शायद ये इसलिए बात नहीं कर रहा, शायद वो इसलिए ये कर रहा है क्योंकि पास्ट में ऐसा हुआ था, वो हुआ था. आप रीजनिंग देना शुरू कर दोगे, अपने फियर्स को जो है वो और स्ट्रांग करोगे. जितना स्लो लेके चलोगे, जितनी थोड़ी बात हुई उसको उतने हद तक रहने दो, ज़्यादा सोचोगे नहीं तो अच्छा रहेगा कनेक्शन. और मुझे लगता है कि आप लोगों का कनेक्शन डेफिनेटली आगे बहुत जल्दी बढ़ेगा. जहाँ पे बात आती है सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि क्या कम्युनिकेशन आएगी, क्या वो कांटेक्ट करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे, अगेन उन लोगों के लिए जिनके लिए कनेक्शन जो है वो उसमें नो कम्युनिकेशन है राइट नाउ, कोई कांटेक्ट नहीं है ना आपके एंड से ना आपके पर्सन के एंड से, देन कम्युनिकेशन बहुत जल्द आने वाली है आपके और आपके पर्सन के दरम्यान में. अब आप क्वेश्चन करोगे कि जल्दी मीन्स कि कितना जल्दी. इट डिपेंड्स कि आप कितने हद तक चीज़ों को अलाउ कर रहे हो, होने दे रहे हो. अगर आप वो इंसान हो जो उनको मैसेज कर रहे हैं देन नो कम्युनिकेशन आ रही है, अगर आप वो इंसान हो कि आप उनको स्टॉक कर रहे हो एंड नो कम्युनिकेशन आ रही है, और अगर आप वो इंसान हो जहाँ पे आप फियरफुल हो और आपको लगता नहीं कि चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं कभी भी. जहाँ पे एक बात होती है ना कि कभी कभी आपका दिल करता है कि आप मूव ऑन करो, लेकिन अगर आपका दिल अंदर से आपको आवाज़ देता है कि नहीं यू हैव टू स्टे इन दिस कनेक्शन, अगर आप वो इंसान हो देन ये आपके पास आने वाले हैं. अगर आपका दिल आपको समझ नहीं आती कि मैं मूव ऑन करूं या ना करूं, जस्ट बिकॉज क्योंकि आपको आगे कोई दिखता नहीं है इसलिए आप मूव ऑन नहीं कर रहे, या एक वो चीज़ होती है कि जहाँ पे आप मूव ऑन करने का सोचते भी हो तो दिल में देर इज़ समथिंग दैट स्टॉप्स यू फ्रॉम डूइंग सो, वो लोग जो हैं उनके लिए कम्युनिकेशन डेफिनेटली आने वाली है. अगर आपका दिल करता है लेकिन आपको कोई आगे दिखता नहीं है इसलिए आप रुक जाते हो, दैट्स अनदर थिंग. आपके लिए शायद ये कम्युनिकेशन नहीं आए क्योंकि कहीं ना कहीं आप खुद जो है कन्फ्यूज हो कि आपको इस इंसान को इसके साथ रहना है, या आप सिर्फ इसलिए इस इंसान के साथ हो क्योंकि आगे आपको फ्यूचर में कोई दिखता नहीं है. अगर आप मूव करना चाहते हो और अगर आपके पास पॉसिबिलिटीज़ भी हैं, बट स्टिल यू होल्ड योरसेल्फ बैक क्योंकि आपके दिल के अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं, आपको इसको टाइम देना, आपको इसको इसका इंतज़ार करना है क्योंकि आप बिलोंग करते हो इस इंसान से, तो ये कम्युनिकेशन डेफिनेटली बहुत जल्द आने वाली है. और
इस कम्युनिकेशन से आपका कनेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा. इनफैक्ट ये जो डिटैचमेंट पीरियड है, जो सेपरेशन पीरियड है, इससे भी आपके कनेक्शन में जो पॉजिटिविटी आ रही है वो शायद आप देख नहीं पा रहे हो. एक स्ट्रेंथ जो बन रही है इस कनेक्शन की वो आप देख नहीं पा रहे हो, बट इट इज़ डेफिनेटली एडिंग अ लॉट. जो आपकी कनेक्शन की बेस है उसको काफ़ी स्ट्रांग कर रहा है. सो डेफिनेटली आपका पर्सन जो है राइट नाउ तो सोच नहीं रहे, लेकिन बहुत जल्द आपके बारे में, आपको रीच आउट करने के बारे में, आपसे बात करने के बारे में ज़रूर सोचेंगे. एक सेकेंड, दो कार्ड्स और लेंगे. अपनी जो इनकी फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स यू, इनको उसका रियलाइज़, उसको रियलाइज़ करेंगे. आपका जो टाइम, जो आपका टाइम अपार्ट है उसमें ये आपके बारे में सोचेंगे. जब आपके बारे में सोचेंगे तो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लोर करेंगे जो आपको लेकर इनके दिल में आती हैं. क्या वो सिर्फ सेक्सुअल हैं, क्या वो सिर्फ यू नो फॉर टाइम बींग है, मोमेंटरीली हैं, क्या वो स्ट्रांग हैं जहाँ पे उनको, उनका दिल करे आपको कांटेक्ट करने का, जहाँ उनका दिल करे कि यू नो जाने तो सही कि आपने बात क्यों नहीं की. यू नो उस तरह की चीज़ें मुझे लग रहा है कि वो चीज़ जो है इस कनेक्शन को, उनकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी फीलिंग्स आपको लेकर जो उनके दिल की फीलिंग्स हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो उनको आएगी जब आप दोनों इस नो कम्युनिकेशन जोन में हो. अगर आप इससे बात कर रहे होते तो तब इसको ये फीलिंग्स या इमोशंस नहीं आने थे आपके लिए. सो ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन जिसको आप कह रहे हो या जिसको आप सोच रहे हो कि नो कॉन्टैक्ट है, पता नहीं क्या हो रहा होगा, अगर आपका, आपको एक फीलिंग होती है, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग टुवर्ड्स दिस पर्सन, तो ये इंसान डेफिनेटली आपकी सेम फीलिंग को फील कर पा रहा है और ये भी आपके लिए सेम फील करते हैं और जल्द से जल्द आपको कॉन्टैक्ट करेंगे. चाहे इन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है, चाहे आपने उनको ब्लॉक किया हुआ है, लेकिन कम्युनिकेशन डेफिनेटली बहुत जल्द आने वाली है. और देखते हैं और का गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए इस कनेक्शन में रहते हुए. लेट्स सी, आप दोनों का पैशन बहुत स्ट्रांग है एक दूसरे को लेकर. आप दोनों एक दूसरे के लिए जितने पैशनेट हो उतना आप किसी और के लिए कभी भी नहीं हो सकते, ना ही वो पर्सन किसी और के लिए हो सकते हैं. अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय. ना आप क्योंकि वेट कर रहे हो आपके पर्सन की कम्युनिकेशन का, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अभी से पैशनेट हो जाओ, एक्साइटेड हो जाओ कि आपके पर्सन आपको रीच आउट करने वाले हैं, एज इफ कि उन्होंने ऑलरेडी कर दिया. कैसा फील होगा आपको, क्या चीज़ आप करोगे, किससे शेयर करोगे कि यू नो आप कर सकते हो. यू नो जस्ट क्लोज योर आईज, थिंक अबाउट द कम्युनिकेशन कमिंग इन और फिर आप क्या करोगे. आप खुश होगे, मे बी यू गोना जंप विद जॉय. आप शायद छलांगे मारना शुरू हो जाओगे, शायद आप यू नो यस करोगे, या आई डोंट नो जो भी आप करते हो यूजली. यू नो अगर आपके पर्सन का मैसेज आता है आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, आप क्या चीज़ें वो करते हो, आपको वो चीज़ करो. यू नो जस्ट इमेजिन, क्लोज योर आईज, फील दैट यू जिसको मैसेज रिसीव हुआ है, जिसको कम्युनिकेशन रिसीव हुई है, जिसको यू नो उसने कॉल कर दिया है, जो भी आपका पर्सन है, एंड देन हाउ डू यू सी योरसेल्फ रिस्पॉन्डिंग. उस फील को फील करते हुए खुश हो, एक्साइटेड हो, और वो जो पैशन आप फील कर रहे हो उसके लिए, उस पैशन को इतने अच्छे से फील करो कि वो आपकी रियलिटी में आपको रिफ्लेक्ट करे. जब आपके पर्सन जब आपको रीच आउट करें तो आप वो चीज़ एग्जैक्टली उसको अभी से फील कर सको. जितना ज़्यादा आप एक्साइटेड होगे, जितना ज़्यादा पैशनेट होगे, फियरफुल हुए बगैर कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, साथियों ने तो कह दिया कि ऐसा होगा बट आई डोंट नो कि होगा या नहीं, जितना आप हैप्पीनेस के साथ करोगे उतना ही जल्दी होगा. जो भी चाहते हो उस इंसान के साथ उसके बारे में भी सोचो, इमेजिन करो, विजुअलाइज करो. लेट्स सी द लास्ट कार्ड. स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर, लिसन एंड टॉक टू ईच अदर. आपका इस इंसान के साथ ज़्यादा बातचीत कभी भी नहीं हुई है. यू नो हमेशा बहुत लिमिटेड टाइम रहा और लिमिटेड टाइम में डेफिनेटली इट यूज टू बी द बेस्ट टाइम दैट यू स्पेंड विद ईच अदर. ऑन एंड ऑफ हो सकता है आपका कनेक्शन रहा हो सकता है बहुत लिमिटेड टाइम के लिए कनेक्शन रहा हो, लेकिन जो भी कनेक्शन था ये बहुत मैजिकल था. दोनों इस चीज़ को याद करते हो और मिस करते हो एक दूसरे को, और आप दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते हो. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप विजुअलाइज करो तो स्पेंड दैट क्वालिटी टाइम जो आपने पहले स्पेंड किया हुआ है इस इंसान के साथ, उसको भी विजुअलाइज करो. वो भी आपको हेल्प करेगा इस चीज़ को वापस अपनी लाइफ में लाने के लिए. दूसरा, जो आप विजुअलाइज करना चाहते हो कि फ्यूचर में जब आप एक दूसरे के साथ होगे तो व्हाट यू गोना डू, उसको भी विजुअलाइज करो. दोनों चीज़ें जब आप कर रहे होगे, बैक एंड फोर्थ आप उसको कर रहे होगे, या बैक टू बैक अगर आप उसको कर रहे होगे, पास्ट का सोचो देन फ्यूचर के बारे में सोचो, पास्ट का सोचो फ्यूचर के बारे में सोचो, एज इफ इट्स गोना हैपन अगेन, तो वो चीज़ जब आप करोगे उस प्रैक्टिस से, जब आप वेट कर रहे हो, कोशिश किया करो कि आप अपने आप को इस तरह की चीज़ों में इंडल्ज करो, बजाय इसके कि नेगेटिव सोचना शुरू कर दो कि उसकी लाइफ में कोई और लड़की तो नहीं आ गई, उसकी लाइफ में कोई और लड़का तो नहीं आ गया. इस तरह की चीज़ें जब आप सोचते हो तो बेसिकली आप वो मैनिफेस्ट कर जाते हो. जब आप ये सोचोगे कि आपका पर्सन भी जैसे आप उसके बारे में सोच रहे हो, वो भी आपको उसी तरह सोच रहा है, देन वो मैजिकल मोमेंट्स जो हैं वो आपने जो उसके साथ स्पेंड किए होते हैं वो आपके लिए ईजी हो जाता है,
को क्रिएट करना और अपने फ्यूचर में उस चीज़ को फिर से रीलिव करना वो बहुत ईजी हो जाता है. सो मेक श्योर कि आप अपने माइंड में इस इंसान के साथ जब भी आपके पास फ्री टाइम हो उल्टा नेगेटिव फजूल सोचने की बजाय कोशिश करो कि उस टाइम को इन्वेस्ट करो विजुलाइज करने के लिए जो आपका पास उस इंसान के साथ अच्छा गुजरा है. हैप्पी मोमेंट्स जो हैं उनके बारे में सोचो और जो हैप्पी मोमेंट्स आप स्पेंड करना चाहते हो इस इंसान के साथ उसके बारे में भी सोचो. सो ये थी आपकी रीडिंग. अगर आपको हेल्प किया हो गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो. टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस टेक केयर बाय बाय.